स्वामी ठीक है माँ जिसके मेरी बात को गौर से सुना करो। पहली बात तो ये है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जिसमें मेरा कोई मतलब हो। मैं ये कहता हूँ इसलिए कि तुम्हारा कुछ बन जाए, तुम कुछ किसी रास्ते पर चल पड़ो और कुछ नहीं। संत मत और गुरु मत में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सत्संग। जहाँ सत्संग नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। सत्संग में वो चीज़ मिलती है जिसका कोई कीमत नहीं है। बाकी जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ सत्संग में तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि दाता दयाल जी महाराज के पास मैं 12 साल की कमाई सारी लगा के गया, लेकिन मुझे फिर भी वो चीज़ नहीं मिली। मैं सोने के ताज, चांदी का हुक्का, सिंहासन बनाया, जरीदार कपड़े बनाए, फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहता था। ये उन्होंने फरमाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीज़ों से वो चीज़ नहीं मिलती। वो चीज़ कब मिलेगी? जब तुम अंदर से जो असली भक्ति है वो अंदर है, वो दिखावे में नहीं है। बाहर का सिर्फ भावना है, एक सभ्यता है, भावना है, एक सभ्यता है कि तुम अपने से किसी बड़े के पास जाते हो तो खाली हाथ मत जाओ, ऐसा कहा गया है। दाता दयाल जी महाराज को एक दफ़ा आनंदराव जी महाराज होते थे सिकंदराबाद के, मैं उनको मिला हुआ हूँ। मैंने से उनका बड़ा प्यार था। वो मुझे चिट्ठियाँ लिखते थे, कमल जी आप हैदराबाद सिकंदराबाद आओ, मैं तुम्हें हवाई जहाज़ का टिकट भेज देता हूँ। ये वो कहा करते, लिखते हुए थे। मैंने उनको, महाराज मैं अभी इस काबिल कहाँ हूँ कि मैं आपके पैसे से जहाँ आऊँ, बात समझ गए। अब मैं वहाँ गया तो मैं उनकी लिखी हुई सारी चिट्ठियाँ सिकंदराबाद के उस मानव मंदिर में थारी दे आया। मैं कह जे पढ़ो क्या उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं ये उर्दू में है, हमें उर्दू आता नहीं। मैं कह भैया मुसलमान बथेरे, उनसे पता कर लो, बता देंगे। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। और कबीर साहब ने भी कहा, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्ध लाइए, कीजे साहब से हेत परम पद पाइए। या ये तो नहीं कहा कीजे साहब से हेत, हेत मीन प्यार, अंदर का प्यार। किस लिए? एक सच्चाई को जानने के लिए, दुनिया नहीं मांगनी। उस हेत में दुनिया नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो बात वहाँ नहीं है। वहाँ हेत है अंदर से, उस चीज़ को जानना जो गुरु के अंदर है। जो गुरु के अंदर है वो गुरु तुम्हें देता है, वक्त आने पर वो अपनी वो चीज़ तुम्हें बता देता है कि बच्चा तेरे और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए संतों ने यही बात दाता दयाल जी महाराज ने कही है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे साधो लोग गुरु की शरणाई। गुरु कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। कोई भिखारी तो वो है नहीं, वो तो बैठा है, आज़ाद है, दुनिया से बिल्कुल आज़ाद है। बात मेरी समझ गए? तो मैं आज आपको एक शब्द सुनाता हूँ दाता दयाल जी महाराज का, वो संगत की महिमा बताते हैं। संगत की बहुत बड़ी महिमा है। एक संगत होती है, एक कुसंगत होती है। कुसंगत में तुम्हें दुनिया में फंसाया जाता है। जो कुसंगत होती है उसमें पूरी आदतें बताई जाती हैं, दुनिया के चक्कर में फंसाया जाता है, वो बुरी संगत है। एक अच्छी संगत है वो, उसको सत्संग कहते हैं। वो मैं आज आपको शब्द सुना रहा हूँ। बोलिए, दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। संगत की बलिहारी साधो, संगत की बलिहारे। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने किन की संगत की? उन्होंने हजूर राय सालग्राम महाराज की संगत की। और संगत भी कितनी की लिखा उन्होंने, जब वो पहली बार गए दाता दयाल जी महाराज, बड़ी खोज थी उनकी, बहुत विद्वान थे,
बड़ी खोज थी। तो वो जब वहाँ गए, आगरा में गए, तो हजूर राय सरगरम साहब जी महाराज सत्संग दे रहे थे और वो जोड़ों में बैठ गए, वहाँ जहाँ जूते उतारते थे दूर होके बैठ गए। तो हजूर महाराज ने उनको देखा, उनकी नज़र थी, उन्होंने बुला लिया, कहते तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अपने पास बिठाया। दाता दयाल लिखते हैं कि मैं उनके पास केवल चार बार गया, ओनली फूड टाइम्स, मुझे वो चीज़ मिलती। बात में जी समझ गए, बार बार सत्संग कब जाइएगा, जब तक तुम्हें असलियत का ज्ञान ना हो जाए, अनुभव ना हो जाए, तब तक जाना चाहिए, फिर उसके बाद ठहर जाओ, फिर आओ, श्रद्धा लेकर आओ, प्यार लेकर आओ, अंदर में जज्बा लेकर आओ, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सम, मैं 18 साल की उम्र में महाराज जी के चरणों में गया, वहाँ मास्टर मोहन लाल के घर में, और ऐसा होता था कि एतवार जल्दी आ जाए, तब तो महीने के बाद सत्संग होता था और महीना बड़ा मुश्किल से गुजरता था। फिर जहाँ जब महाराज जी आ गए तो हफ्ते के हफ्ते सत्संग होता था, तो जहाँ तो फिर रौनक लगी रहती थी। मेरी बात समझ गए, अब वही परंपरा चल रही है। संगत की क्या बलहारी जाऊँगा, वो अब दाता दयाल जी बताते हैं कि जैसी संगत होगी उसका रंगत आपके ऊपर आएगा। अच्छी संगत में गए हो, तुम्हें एनकरेजमेंट मिलेगी, तुम्हें रास्ता मिलेगा, ज़िंदगी में जीने का भी और ज़िंदगी से पार जाने का भी, दोनों रास्ते मिलेंगे। पढ़ो, संगत की बलिहारी साधो, संगत की बलिहारी, पारस के लोहा जब संग भया, पारस के लोहा जब संग भया, हो गया कुंदन रूप। क्या कहते हैं, अब लोहा और पारस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोहे की कीमत कुछ नहीं है, पारस की कीमत बहुत बड़ी है। जब लोहा पारस के साथ मिल जाता है, कहते वो सोना बन जाता है। अब पता नहीं किसी के पास वो पारस है कि नहीं है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, महापुरुषों के पास ये चीज़ें हैं, लेकिन वो दुनिया को नहीं बताते, वो खुद रखते हैं अपने आप को, ताकि उनको किसी से मांगना ना पड़े। बात मेरी समझ गए, तो लोहे को किसकी संगत मिली, पारस की संगत मिली, और पारस ने उसको अपने जैसा नहीं बनाया बल्कि सोना बना दिया। और गुरु की संगत क्या है, गुरु कर ले अपने समान, गुरु की संगत तो उसके भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोहा पारस नहीं बनता, सोना बनता है, अगर पारस बन जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो गुरु की ये महिमा है कि गुरु अपने समान अपने शिष्य को कर लेता है, लेकिन करता भी तब है जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये ठीक चल रहा है। आम आदमी को वो ऐसा नहीं बनाते। क्या कहा मैंने, तो मैंने क्या कहा, संगत किसकी की, पारस की, लोहे ने की तो वो सोना बन गया। आगे, राजा के संग मिला दरिद्री, राजा के संग मिला दरिद्री, सब कोई समझे भूप। कहते हैं अगर किसी गरीब आदमी की दोस्ती राजा के साथ हो जाए, उसकी संगत राजा के साथ हो जाए, तो उसको लोग भी इज्जत के साथ देखते हैं। जैसे कृष्ण भगवान राजा थे और हमारा क्या नाम था, सुदामा दरिद्री पंडित था बेचारा, जब उनके दरबार में चला गया, उसकी इज्जत भी उतनी ही होने लगी जितनी भगवान कृष्ण की थी, है ना बात है ये। तो ये बता रहे हैं दाता दयाल जी महाराज कि ये संगत का असर है। बड़े आदमी के पास बैठोगे तो बड़े बन जाओगे, छोटे के पास बैठोगे तो छोटे के बन जाओगे। जैसी संगत होगी वैसी रंगत आप में आ जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। तुम ड्राइवरों के पास बैठो, उनकी बातें और हैं, तुम खाने पीने वालों के पास बैठो, उनकी संगत और है। बात समझ गए ना,
जैसे जैसे वातावरण में आप जाओगे उस वातावरण का आपके उस पर असर होगा और वो वाइब्रेशन आपके पास आएगी और तुम्हारे जीवन में भी वो परिवर्तन वैसा ही होगा जैसा उनका है। किसी संत के पास, किसी महापुरुष के पास जाओगे तो उनकी संगत में तुम्हारा बहुत सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। आगे साध संग से सब ही तर गए, साध संग से सब ही तर गए, कुटिल कुभाव कृपालो। क्या कहा? साध संग से सब ही तर गए, कुटिल कुभाव कुचालो। क्या नाम है? नाम बताया, कौन साध की संगत में गया? साध संग से सभी तर गए। साध की संगत में जो गया वो तर गया, ये कहा गया है। तो साध कौन है? साध भेषधारी नहीं हो सकता, जिसने कोई अपने आप को बनाया हुआ है, बाहर से सजाया हुआ है, बड़ी मालाएं डाली हुई है, तिलक लगाया हुआ है, जटे बढ़ाई, वो साध नहीं है। उसने तो बाहर मुखी अपने आप को शो किया कि लोग मेरी इज्जत करें। साधु का कोई बनावट नहीं होती है, वो साधु वो है जो मन की साधना करता है, जो सुबह शाम अपने मन के साथ कबड्डी खेलता है और जो मन को अपने अधीन करने की कोशिश करता है, जो मन को साधता है। घोड़े को साधते हैं ना, घोड़ा जो उसको चलाने वाले आदमी हैं, उनको समझाने वाले आदमी हैं, तभी घोड़ा ठीक चाल पर चलता, नहीं तो वो तो जवाब दे देता है। ऐसे ही हमारा मन भी घोड़े से ज़्यादा चंचल है। तो जो इंसान अपने मन के साथ मन को साधने की जो साधना है, अभ्यास है, वो करता है, वो साध है। उसकी संगत में बैठे होगे तुम्हें भी अपने मन का पता लग जाएगा कि मेरा मन मेरे से क्या खेल जाता है, मेरा मन क्या चाहता है। तुम भी अपने मन को अंकुश डालने की कोशिश करोगे। और जो बाबा फकीर के चरणों में आया वो मजबूर है अपने मन के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने रास्ता ऐसा बता दिया कि जब तक तुम मन में हो तुम पार नहीं जा सकते। पार तब जाओगे जब तुम तीनों से पार हो जाओगे, शरीर को भूलोगे, मन को भूलोगे, आत्मा को भूलोगे, और तब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं रहेगा। जहाँ मन है वहाँ दुनिया है, जहाँ मन नहीं है वहाँ तुम हो। क्या कहा मैंने? आगे साध संग से सब ही तर गए, कुटिल कुभाव कुचाले। जो कुटिल हैं, बिगड़े हुए हैं, बुरी चाल चलते हैं, मन में विकार है, वो सब तर जाते हैं। क्या कहा? यही कहा है उन्होंने, कुटिल कुचल चलने वाले और दूसरे ख्याल रखने वाले, उनका मन भी रास्ते पर आ जाता है। दाता दयाल जी महाराज ने एक कहानी लिखी, वो मुझे याद आ गई। किसी गांव में एक सेठ बहुत बड़ा था, अमीर था, वो मानता नहीं था किसी देवी देवता को, वो कहते थे जो है पैसा है। तो उस गांव में एक मंदिर था, वहाँ एक संत आ गए, उन्होंने वहाँ कथा करनी शुरू कर दी। तो कथा में बड़ा इंटरेस्ट था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता था कि कैसा जीवन गुजारना है, क्या खाना है, क्या पीना है, लोगों से कैसा व्यवहार करना, ये वो बताता था। तो लोग लाला जी के पास भी गए कि लाला जी वहाँ चलो, हो बहुत अच्छे संत आए हैं। कहते नहीं, मुझे नहीं क्या ही जाने की ज़रूरत है, मैंने क्या लेना उससे। बात समझ गए, वो पैसे मांगेगा, कुछ मांगेगा, अच्छा बात, वो नहीं माना। तो उनका लड़का एक दिन चला गया वहाँ, लड़का चला गया तो संत ने बोला कि जो ये जिसको भूत प्रेत कहते हैं या और ऐसे नाम रखे लोगों ने, देवी देवता कहते हैं कि वो आते हैं और ये आते हैं वो आते हैं, उनका साया नहीं होता, उनका साया नहीं होता, वो बगैर साया के होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश रूप है, प्रकाश का क्या साया होना। उसने बात को पकड़ लिया। तो एक दिन दो महीने के बाद कुछ डाकुओं ने प्रोग्राम बनाया कि
कि ये लाला जो है ये देवी देवताओं से बहुत डरता है, ये उनसे बहुत डरता है। तो उन्होंने किसी ने देवी का रूप बना लिया, किसी ने देवता का रूप बना लिया, तो उसको लूटने के लिए चले गए और उसके खजाने को हाथ डाल लिया। अब लाला डरता, वो बोल नहीं रहा, डरता है। कैसे बोल ले? क्योंकि उसको डर लगता है उनसे। लड़के को जाग आ गई, लड़के ने वहाँ सुना हुआ है था कि उनका साया नहीं होता, तो उसने देखा कि इनका तो साया है, ये तो देवी देवता हो ही नहीं सकते, ना जे भूत है ना जे चुड़ैल है, कुछ भी नहीं है। उसने शोर मचा दिया, उसने जब शोर मचा दिया तो वो सब दौड़ गए, खजाना बच गया। अब लाला को जाग आई, उठा, साग लिया, पानी पिया, बच्चा तूने तो मुझे बचा दिया, मेरा तो सब कुछ नाश हो जाना था, मैं तो भिखारी बन जाता। कहता, बापू जी मैंने नहीं बचाया, वो साध संगत में मुझे बताया गया कि इनका साया नहीं होता, उनका तो साया था, मैंने देख लिया ये तो लुटेरे हैं, तो मैंने शोर मचा दिया, इसलिए वो सारा छोड़ के चले गए। तो फिर वो लाला जो था सब कुछ छोड़कर संत बन गया, साधु बन, उसके चेला बन गया जाकर। क्या कहा मैंने, साध संग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। मेरी बात समझ गए? आगे पढ़ो। मन बचन करम साध गति पाई, मन बचन करम साध गति पाई, हो गए सहज निहार। अब सुनो, हमारे जीवन में छह चीज़ों के मैं नाम लूँगा, दाता दयाल ने रेफरेंस नहीं दिया, मैं बताऊँगा। एक है कर्म, एक है ज्ञान, एक है भक्ति। यही बात श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी गीता में कही है, मैंने पढ़ी है, अंग्रेजी की गीता मैंने पढ़ी है, कि अर्जुन तू कर्म कर, जा ज्ञान प्राप्त कर। अब ना तू ज्ञान प्राप्त करता है, ना तू कर्म करने के लिए तैयार है, तू तो मारने के लिए तैयार ही नहीं है, कि मैं जो मेरे रिश्तेदार है मेरे घर के आदमी, मैंने नहीं मारना, ये वो तो मरे हुए हैं पहले, तभी उन्होंने उसको विराट रूप दिखाया, ठीक है। एक है भक्ति, भक्ति आसान है, किसी एक के साथ जुड़ जाना, और जब एक के साथ जुड़ जाओगे वो एक तुम्हें अपने बड़े से जोड़ देगा। क्या कहा? भक्ति वो किसकी होती है? फिर अपनी भक्ति हो जाती है। दाता दयाल ने शब्द एक लिखा, भरोसा तेरा है तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में। आगे वो कहते हैं, मैं किसका भजन करता हूँ? अपना ही करता हूँ, कि मैं जो हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं इन तीनों के ऊपर रहने वाला हूँ। तो उसी को आगे को हवाला उसका देते हैं, बात समझ गए। तो फिर दूसरी चीज़ है मन वचन और कर्म। हमारा शरीर कर्म करता है, मन ख्याल करता है, और जबान हमारी वचन कहती है। मन अगर ठीक है तो वचन भी ठीक होगा, अगर मन ठीक नहीं है, गंदा है, तो अंदर से आवाज़ भी गंदी ही निकलेगी। क्या कहा मैंने? आप क्रोधी आदमी को देखो, अंदर उसके क्रोध है, उसके मुंह से आग निकलेगी। एक प्रेमी को देखो, एक साधु को देखो, वो प्रेम की वाणी बोलेगा, कर्म भी वो अच्छा करेगा, क्योंकि जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी तैसी भरनी, ऐसा दाता दयाल जी महाराज ने संतों ने कहा है। तो कर्म, मन वचन और कर्म, ये तीनों चीज़ें किसके साथ संबंध रखती हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब इनमें से किसी एक को चुन लो, या कर्म करो, या भक्ति करो, या फिर ज्ञान करो। ज्ञान अधूरा है, ज्ञान जो है, ज्ञान तुम्हें पार नहीं करेगा, अनुभव पार करेगा। वैसे तो कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं, लेकिन ज्ञान कब पक्का होता है? जब अनुभव हो जाए। वैसे मैं कहता जाऊँ अंदर प्रकाश है, शब्द है, ये है, वो है, लेकिन देखा नहीं तो वो झूठा है। बात समझ गए मेरी आप? इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति
मन वचन और कर्म इन तीनों पर अपनी नज़र रखो या देखो फिर आपके जीवन में कैसे फल मिलता है। अगर मन ठीक हो गया तो कर्म भी ठीक हो जाएगा, मन ठीक है तो वचन भी ठीक हो जाएगा और फिर क्या होगा भक्ति अपने आप हो जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, आगे चलो। आज की संगति पढ़ कर चल गए, आज की संगति पढ़ कर चल गए, कूड़ा कर कट घास है। फिर पढ़ो। आज की संगति पढ़ कर चल गए, कूड़ा कर कट घास है। आज की संगत किसने की है? कूड़ा जो घर से बाहर निकाल रखते, जला देते हैं ना हम उसको, कर जो भी ऐसी चीज़ जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको आग लगा देते हैं, जा कुआड़िए ले जाते हैं। लेकिन जनरली हम अपने घर की चीज़ों को बाहर रख कर जो बिकने वाली नहीं है कुछ देने उसको जला देते हैं, ऐसा ही है ना। तो वो कहते हैं आग का संग किसने किया, कूड़े करकट ने किया और उसको उन्होंने जला दिया। और फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, राख बन गई। राख बन के कहाँ गई, खेतों में गई और खेतों में फुलवाड़ी में पड़ी और फिर वो उसने फूल सुगंधी हमको दी, फायदा हुआ उसका। आग में जलने से भक्ति क्या है, आग में जलना है। कौन सी आग? प्रेम की आग, इश्क की आग, लगन की आग, श्रद्धा की आग, विश्वास की आग। जब तक वो अंदर भड़केगी नहीं तुम कहीं भी नहीं जाओगे। क्या कहा मैंने, वो भी एक अग्नि है, प्यार भी एक अग्नि है, इश्क भी एक अग्नि है, कशिश भी एक अग्नि है, वो तुम्हें खींच कर गुरु के दरबार में ले जाती है। क्या कहा मैंने, इसलिए इस अग्नि में जलना ज़्यादा अच्छा है। ये जो अग्नि है, जो प्यार की अग्नि है, गुरु के इश्क की अग्नि है, वो दूसरी अग्नि से डबल है। ये प्रेम है, जहाँ वहाँ जलन है, वहाँ नाश होता है, नाश होने के बाद फिर कुछ मिलता है। यहाँ गुरु के पास भी हमारे किन चीज़ों का नाश होता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत दुश्मनी सब कुछ खत्म हो जाते हैं। क्या कहा मैंने, फर्क पड़ा ना, साध की संगत में क्या फ़र्क पड़ा और उस आग की संगत में क्या फ़र्क पड़ा। उसमें जलने के बाद वो खाक बनी और क्यारी में गई, वहाँ फूल बने उसके, तो हमारा की बनेगा। जब हम किसी साध की संगत में जाएंगे, किसी महापुरुष की संगत में जाएंगे, हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं वो चल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और हम भी कुंदन की तरह हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। खाद बने क्यारी में आए, खाद बने क्यारी में आए, निकसावास सुबास है। वो समझ गया मैं, क्यारी में पड़ गए और फिर वहाँ से अच्छी खुशबू आई। आगे पढ़ो। नद नाले का जल अति घृणिते, नद नाले का जल अति घृणिते, गंगायान मिलाया। नहीं पता लगा। नदनारे का जल अति घृणित, क्या कहता है तेरी बात मुझे टेलीफोन पर मुझे समझ नहीं लगती। ये टेलीफोन करेगा, मैं कहूँ तू रख दे यार, मैं तुम बात करूँ। दोबारा दिखा दो, मुझे दिखा दो, तू खा जाता है सब शब्द को। ये बताइए कौन सी लाइन है, ये नजर ना ले, छोड़ो छोड़ो। हाँ नद नाले है यार, छोड़ो दो ही लाना। ये कहते हैं दाता दयाल, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे नाले, गंदे गाँव में निकलते, शहरों से निकलते, वो कहाँ चल जाते हैं, गंगा में मिल जाते जाकर।
फिर वो क्या हो जाते हैं, वो भी गंगा ही बन जाते हैं। पढ़ो पढ़ो। नद नाले का जल अति घृणित, गंगायान मिलाया। संगत गंदा नाला नली नदी, इनमें लोगों ने पता नहीं क्या क्या फेंका होता है, वो चलते चलते आखिर में कहाँ जाते हैं, किसी दरिया में जाते हैं। और यहाँ गंगा का नाम लिया है, हम गंगा को बहुत पवित्र मानते हैं, सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, लेकिन देखने में ये आया कि अब वो गंगा नहीं रही। अब वो गंगा है नहीं, अब इतनी बाढ़ आई है, वहाँ इतनी बाढ़ आई है हरिद्वार में कि सब कुछ ले गई, साथ ही लोगों की गाड़ियाँ ले गई। अब गंगा गंगा का साथ उनको मिला, वो तो नुकसान हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? कलयुग की गंगा वो नहीं है जो सतयुग में होती होगी, तब वो पवित्र पानी आता था सीधा गंगोत्री से, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, कोई पहाड़ नहीं टूटता था, कोई बादल नहीं फटता था, कोई गाड़ियां नहीं जाती थी, लोग पवित्र पानी को लेकर घर में आते थे। अब गंगा का पानी वहाँ से लाओगे तो घर में रखोगे, वो इतनी देर नहीं रहना है, मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट करके देख लो, क्योंकि उसमें मिलावट हो गई है। लेकिन जब दाता दयाल ने ये शब्द लिखा, उस वक्त गंगोत्री का गंगा का बहुत बड़ा महानता थी। अब और उसमें जब नदी नाले जाते थे तो वो भी गंगा का नाम ही कहलाते थे, लेकिन अब नहीं है, अब कुछ और हो गया। अब मैं एक और बात कह देता हूँ, तुम्हारे मतलब की बात कह देता हूँ, वहाँ जाने की जरूरत भी क्या है, हमारे अंदर ही गंगा है, हमारे अंदर ही जमुना है, हमारे अंदर ही सरस्वती है। संत मत की बात करने लगा हूँ, ये गंगा है, ये सांस गंगा है और ये सांस जमुना है, और जब ये दोनों सांस हर वक्त एक सांस चलता है, कभी भी देख लेना, या ये चलता होगा ये बंद होगा, ये चलता होगा तो ये बंद होगा, है ना, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन कभी एक ऐसा वक्त आता है जब ये दोनों चलते हैं, तब ये दोनों चलते हैं, तो उस वक्त सरस्वती कहलाती है। वो सांस उस वक्त का लिया हुआ सीधा शिव नेत्र में पहुंचता है और ज्ञान की अग्नि भड़क जाती है। समाधि में होता क्या है, समाधि में ना जे चलता है ना जे, ये दोनों चलते हैं और एक स्पीड से चलते हैं, और वो जहाँ आ जाते हैं, यहाँ वो आकर हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको टच करते हैं और अंदर प्रकाश हो जाता है। तो इसलिए दाता दयाल कहते हैं कि अपने अंदर की गंगा से नहा लो, और दाता पद्मदयाल जी महाराज ने लिखा, जो शुद्ध ख्याल होते हैं, अच्छे ख्याल होते हैं, नेक ख्याल होते हैं, वो इस सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं और हमारा जीवन बनाते हैं, और जो विरोध के ख्याल हैं, बुरे ख्याल हैं, गंदे ख्याल हैं, वो इस सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं, बात समझ गए। और जो सूक्ष्म ख्याल होते हैं, जो पवित्र ख्याल होते हैं, मार्ग से मिलने के ख्याल होते हैं, एक जज्बा होता है कि मेरा अंदर का शब्द खुल जाए, वो दोनों से ऊपर आता है, यहाँ पर आता है। तो बताइए कहाँ जाना है, संतों ने सारी गंगा आपके घर में लाकर रख दी, संतों ने जमुना भी तुम्हारे पास लाकर रख दी, संतों ने सरस्वती भी तुम्हारे पास रख दी। वो कहते हैं ना, सरस्वती वहाँ अलाहाबाद में मिलती है, वहाँ संगम होता है, तुम्हारे अंदर संगम होता है, वहाँ तो 12 साल के बाद होता होगा, कुंभ लगता है 12 साल के बाद, कहते कुंभ लगता है, 6 साल के बाद कुंभी लगती है, यहाँ तो हर रोज़ लग सकती है कुंभी, आपकी कुंभी लग सकता है। क्या कहा मैंने, मैं संत मत की बात कर रहा हूँ, हजूर बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठ कर बात कर रहा हूँ, इसलिए ये भ्रम सारे खत्म हो गए। कौन सा पानी ला कर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पटियाला से अपनी बहू को लेने गया, मेरी वाइफ मेरे साथ थी,
तो जो मेरे कुटुंब साहब थे वो कहीं डीएसपी रहे वहाँ सरहन में, ही वॉज डीएसपी देन एसपी। वो कहते भाई साहब जाते जाते आपने ना वहाँ एक मस्जिद है, वो बहुत अच्छा आदमी है मौलवी जो है काजी, बहुत अच्छा, तुमने उनको भी मिलकर जाना। चलो मैं कहा बहुत अच्छी बात है। पहले तो वो साहबजादियों का जो गुरुद्वारा वहाँ मत्था टेका और उनके साथ ही इधर को वो भी जगह है, तो हम वहाँ गए। वहाँ एक कुआं है बहुत पुराना और उस कुएं के साथ एक नलका लगा हुआ है और एक पीर की बहुत लंबी वो कब्र है, तो लोग वहाँ उर्स करते जाते मत्था टेकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो कुएं का पानी है ये गंगा का पानी है जो सीधा गंगा से आता है, ऊपर से आता है, गंगोत्री से आता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप नलके से एक डब्बा भर के ले जाइए और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बहू ने भी वो भर के रख लिया गाड़ी में और वो मौलवी साहब हमें अपने घर ले गए। उन्होंने वहाँ हमें चाय पानी पिलाया, बड़ी इज्जत की, बहुत इज्जत की। और फिर सारा मैं उसका सारा इतिहास पूछा। वो सुन्नी ख्याल के थे, सुन्नी जानते हैं ना, वो केवल अल्लाह को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। वो वहाँ कभी वहाँ वो क्या होते हैं जो गाते हैं, क्वाली गाते हैं, वहाँ नहीं होती कोई क्वाली वगैरह। बस साल में लोग देश के कोने कोने से, अरब देश से आते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं, महफिलें होती हैं और फिर वो चले जाते हैं। वो पानी शायद अब तो मेरा ख्याल है नहीं घर में, वो भर के रखा हुआ था। अब नया मकान बनाया, पता नहीं पीछे घर में है कि नहीं रखा हुआ। एक बड़ी पाँच लीटर की टंकी लाया था मैं भर के, उसमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं खराब हुआ, क्या कहा मैंने। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हमने उनको रहने नहीं दिया। अभी ये जब कोविड हुआ 2020-21 में, गंगा में कितनी लाशें मिली, लोगों ने लाशें फेंक दी गंगा में, तो क्या वो पवित्र रह गई लाश, क्या वो पवित्र रह गई गंगा हमारी? एक बिजनेस बन के रह गया हमारी गंगा। वो गंगा अब नहीं है जो कभी थी। कब? जब संत रविदास वहाँ थे, जब वहाँ कबीर साहब थे, जब संत रामानंद जी वहाँ थे, तब वो गंगा थी और वो आवाज़ भी सुनती थी और उसका जवाब भी वो देती थी, ऐसा कथा मिलती है। मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्या कहा मैंने, आगे जाओ। गंगा मिले गंगा भयसारा, गंगा मिले गंगा भयसारा, नाम गंगोदक कहाया। बस वो गंगोत्री बन गई क्या कहा मैंने, वो गंगोत्री बन गई। कहाँ, सिर्फ हरिद्वार में गंगोत्री है, आगे नाम रह जाता है, बंगाल में चली जाती, वहाँ नहीं इसका नाम गंगा रहता, वहाँ कुछ और बन जाता है आगे। काठ की नाव बनी है हल्की, काठ की नाव बनी अति हल्की, लादे पाथर लोहा। अब बातें कर रहे हैं कि एक दरख्त है जिसको हम कहते हैं चंदन। चंदन एक वृक्ष है, जंगलों में होता है, यहाँ इंडिया में बहुत कम है। उसके पास जो भी और वृक्ष होंगे उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाए, ये कहा दादा ध्यान ने कहा कि चंदन के पास प्लास लगा दो। प्लास एक बूटा है जिसके फूल बहुत अच्छे होते हैं और लेकिन फल नहीं उसको कोई भी लगता। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी लिखा है उसके बारे में कि दूर से जानवर जाते हैं कि इतने सुंदर फल फूल हैं और जहाँ फल भी होगा वो निराश होकर वापस चल जाते हैं। अब समझ गए, ऐसा लिखा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। नीम, नीम की तो कड़वी बड़ी होती है लेकिन वो भी वहाँ मीठी हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। कहने का मतलब ये है संगत का असर,
जैसी संगत वैसी रंगत, वैसी खुशबू वैसी रहनी, वैसी सोच वैसा विचार वैसे ख्याल बदल जाते हैं। मुझे क्या मिला महाराज की संगत से, ये सब उनकी कृपा ही तो है। अगर मैं उनकी संगत में ना आता, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि तेरा क्या हाल होता, क्या हाल होता तेरा, तेरा पता नहीं अब तक तू होता भी कि नहीं जहान में। यहाँ क्या कहा मैंने, जब मैंने बीए पास कर लिया तो बीए करने के बाद इतने पैसे नहीं थे माँ बाप के पास कि मैं एमए ज्वाइन करूँ। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली जो मेरे गांव के साथ था, प्राइवेट स्कूल। वो कहते बच्चा 50 रुपए दिया करेंगे महीना 50 रुपए, उन दिनों 50 की भी बड़ी कीमत थी। मैं एक साल वहाँ पढ़ाया, कुछ पैसे इकट्ठे किए। उन्हीं दिनों मैं एक इंटरव्यू दी कपूरथला में एजी ऑफिस, डेप्टी अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ मेरी इंटरव्यू हो गई। तो मेरे साथ जो बीए में लड़का पढ़ता था उसका भाई वहाँ का डीएजी था, बड़ा अफसर। तो मैंने सोचा मेरा काम तो हो जाएगा, चलो वहाँ जाते हैं। चले गए, इंटरव्यू हो गई तो मेरी सिलेक्शन हो गई यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। जब मैं वो चिट्ठी पढ़ी अपर डिवीजन क्लर्क, मैं अपने पिता के पास गया। मैं कहा पिताजी, वो भी हुशियारपुर में थे उस वक्त जहाँ ठेका करते थे, मैं क्लर्क नहीं बनना, मैंने क्लर्क नहीं बनना, मैं नहीं बनना क्लर्क। सारा दिन 10 से 5 बजे तक मरो वहाँ, वहाँ मिट्टियाँ खाओ, फाइलें पकड़ी जाओ, ये करो वो करो, मैं नहीं बनना। कहते बच्चा मैं तेनू कदों कहना भी तू बन। मैं कहा मुझे सिर्फ 2 रोटियां देनी सवेरे दोपहर शाम ने, कुछ नहीं खर्ची बनूंगा। एसटी कॉलेज यहाँ पहले यहाँ होता था, मंडी में होता था, वो बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, बड़ा अच्छा प्रिंसिपल था। मैं उनके पास चला गया, मैं कह सर मैं एमए करनी है। कहने बच्चा आ जा, यू विल नॉट पे एनी फीस, क्योंकि बीए मैंने वहीं से की थी, मेरे को बड़ा प्यार करते थे प्रिंसिपल कपूर। ओ हो, मैं उसको सिर झुकाता हूँ उस आदमी को, क्योंकि मैंने वहाँ 4 साल में बड़ा काम किया था, गांव-गांव में जाकर बच्चे भर्ती करवाए समझ गए ना, गांव में पकड़ा, चल बच्चे उत्थे पढ़, चल उत्थे पढ़, उत्थे संगत बढ़ गई थी। उदों 1957-58 की बात है, क्या कहा मैंने, तय शायद आप पैदा भी नहीं होंगे। चलो मैंने एमए ज्वाइन कर ली, वो पैसे थे मेरे पास, बस समझ गया, कॉलेज की फीस कोई लगनी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेज लगती थी, हमने एमए कर लिया और बाबा जी की कृपा हो गई। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या कहा मैंने, संगत का असर बहुत पड़ता है। अगर मेरे पिता उस वक्त मुझे जवाब दे देते कि नहीं बेटा हूँ तू नौकरी कर ला, तो मेरा जीवन कहीं का कहीं चला जाता। लेकिन मेरे फादर केम इन द फॉर्म ऑफ माय बाबा फकीर, और नहीं कोई गल नहीं बच्चा नहीं बना क्लर्क, तू चल अगे पढ़। और जब मैं प्रोफेसर बन गया तो मेरा पाप, मैं अपने बाप को देखा, वो मूछ को ता दे रहे थे, मैं उनको बुला लेता था फंक्शन में यहाँ भी, और मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई नारनौल में, क्या नाम रामपुर बुशहर में पहुँच गए, वो एक रात वहाँ काटी गुरुद्वारे में मेरे रामपुर बुशहर। मैं क्या बाप, पापू तू किदा आ गया, कहते बेटा मेरा दिल कीता में आ गया, बात समझ गए। फिर मेरे पास हमीरपुर भी रहे, महाराज जी आए हुए थे तो महाराज के भी दर्शन किए उन्होंने, महाराज जी के साथ उनका फोटो भी है। क्या कहा मैंने, किसका असर था ये मेरे सदगुरु बाबा फकीर की शिक्षा का असर था। बच्चा ब्रह्म बनो, ब्रह्म ब्रह्म बनो, ब्रह्म का मतलब बढ़ो, शिक्षा में बढ़ो, सेहत में बढ़ो, धन कमाने में बढ़ो, जिंदगी में बढ़ो जितना बढ़ सकते हो, हर चीज़ बढ़ती है, ज़मीन में
अब बीज डाल दो वो कितना बड़ा पौधा हो जाता है, फिर वृक्ष बन जाता है। बनता कि नहीं बनता? हर चीज़ जब बढ़ती है तो आप भी क्यों नहीं बढ़ते? बढ़ो जितना बढ़ सकते हो, हर फील्ड में बढ़ने की कोशिश करो, तुम कामयाब हो जाओगे। ये बेटी बैठी है, इसकी मिशन थी कि मैं सीए बनना, बन गई। क्या कहा मैंने, बन गई सीए, बन गई। अब आगे भी मैं इसको कुछ देखना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ये फिर भी कामयाब होगी, ऐसा मेरा दिल मानता है, क्योंकि इसको पता लग गया कि सफलता कहाँ है। सफलता हार्ड वर्क में है, मेहनत में है, कर्म में है, और कर्म प्रधान है दुनिया में, कर्म प्रधान है। कर्म जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मरेगा। अगर हाथ पर हाथ रख के बैठ गए फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने, आगे चलो। काठ की नाव बनिया की हले की, लादे पाथर लोहा, आगे ताके संग तरे किस विधि सब, ताके संग तरे सब किस विधि, देख मेरा मन मोहा। दादा जी एक और मिसाल देते हैं कि जो किश्ती होती, किश्ती वो लकड़ी की होती है, लकड़ी पानी पर तर जाती है, जितनी मर्जी भारी हो लेकिन पानी उसको नहीं ले जाता नीचे, तो लोहा इतना सा भी फेंक दो तो ज़मीन में जाएगा। कहते लोहे ने लकड़ी के साथ दोस्ती डाल ली कि मैंने बाहर जाना है, तो जितना मर्जी ला दो, जितनी बड़ी वो किश्ती होगी उसके मुताबिक उसको ला दो वो पार कर देगा। दाता जाल कहते हैं लोहे ने लकड़ी के साथ दोस्ती की और वो सागर को पार कर गया। यही कहा ना, फिर पढ़ दो यही। ताके संग तरे किस विधि सब, देख मेरा मन मोहा। कहते मेरा मन बड़ा ही खुश हुआ जे देख कर, दाता जाल कहते हैं ये संगत का असर देखो कितना ज़्यादा है। बड़े बड़े जहाज चलते हैं लकड़ी के बने हुए, बिल्कुल लकड़ी। मैंने देखा अमेरिका में 6-6 मंजिल जहाज हैं, 6-6 मंजिल, और उनका ये मकान छोटा है, इससे भी चौड़े चौड़े जहाज हैं, जितने मर्जी लोग उस पर चढ़ जाएं। वो साइंसदानों ने बढ़ाए इस ढंग से कि वो डूब ही नहीं सकते जब तक उसमें पानी ना चले जाए, या इंजन ना फेल हो जाए, या बहुत तूफान ना आ जाए। लेकिन उन्होंने सब काम किए होते, उनको पता है कि तूफान कब आता है, कैसे आता है, किस दिन आता है। उनके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं, वो सब कुछ बता देती हैं। अगर ऐसी हालत हो तो वो एक तरफ लगा लेते हैं। मेरी बात समझ गए? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। वक्त आने पर झुक जाओ, बड़ा फ़ायदा रहता है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर महकमे में मिल जाएंगे आपको, जो हराम की कमाई खाते हैं। पढ़ाना नहीं, क्लास में जाना नहीं, गप्पे मारनी, राजनीति करनी, और फिर जब इम्तहान आना तो बच्चों को नकल करवाते हैं। अब तो ये बीमारी बहुत हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा ये बीमारी हो गई है। पैसा दो तो मर्जी करवाते हैं। क्या कहा मैं? तो एग्ज़ाम में जहाँ मेरी ड्यूटी लगी वहाँ भी एक ऐसे प्रोफेसर थे जो बड़े मशहूर थे इस काम में, बच्चे उनको पाँव भी छूते थे, लेकिन मेरे पाँव इसलिए छूते थे कि मैं सच से चलता था और ठीक ढंग से पढ़ाता था, मेरा बच्चा कभी कोई फेल नहीं हुआ, हमेशा 100%। तो मैं थोड़ा दुखी हुआ कि अब अगर मैं लाइन में जाऊंगा तो मैं तो पकड़ लेने, और ये जाता है तो खुली छुट्टी है, मैं बुरा बनूंगा। मैं महाराज जी के पास आ गया, मैं कह पिताजी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। क्योंकि गुरु को सब कुछ बताना चाहिए ना। मैं कह पिताजी आ हालत है साढ़े देश की, मैं क्या करूँ। महाराज ने हुक्के को कुट पर लिया।
मुझे कहते बच्चा जब आंधी चलती है तूफान चलता है तो दरख्त क्या करते हैं, दरख्त क्या करते हैं। मैं कह पिताजी वो झुक जाते हैं। तो जो नहीं झुकते, मैं कह पिताजी वो टूट जाते हैं। बस हालात के मुताबिक अपने आप को बदल दो। तुम विरोध नहीं लेना किसी का, आंखें बंद, जो करेगा सो भरेगा। अपने मन जो ख्याल ही निकल गया, क्या कहा मैंने। ये दुनिया है, ये दुनिया में आप सीधा होकर नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तुम्हें जीने नहीं देंगे लोग, क्या कहा। मेरे पास एक एसडीओ आया अभी, उससे देश आया था ना, तो वो कहता महाराज जी ऐसे ऐसे है हमारे महकमे में, ये होता है वो होता है वो होता है। मैं कह ये तो माना हुआ महकमा है, जैसा लोग करते तुम भी वैसा कर लिया कर पाई, नहीं तो प्रमोशन रुक जानी है। बात समझ गए। उसको ये मैंने कहा, ये नहीं कहा कि तू ये ना कर ये ना कर। लिव एज अ पीपल लिव, डू इन रोम एज द रोमन्स डू। रोम में जाओ इटली में, तो रोम एक अपना अलग शहर है, वहाँ कैथोलिक धर्म चलता है, वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहीं के उसूल पर चलना पड़ेगा। मुसलमानों के देश में जाओगे तो वहाँ के उसूल पर चलना पड़ेगा। अगर इंडिया का उसूल दर्द करेंगे तो हमें पढ़ के अंदर कर देंगे, वहाँ हमारा कानून नहीं चलेगा। इसलिए जैसे लोगों में रहते हो उनके साथ प्रेम से रहो, लेकिन अपने आप को खोलो मत कि तुम कौन हो, क्या कहा मैंने। मैं ऊना में रहता हूँ, लोगों को पता नहीं मैं क्या करता हूँ। आई डोंट टेल देम, मुझे क्या ज़रूरत किसी के घर में जाने की। आई डोंट गो एनी वेयर, मैं नहीं जाता, क्या कहा। हम अपने आप में मस्त रहते हैं, क्या समझे मेरी बात को। तो संगत अच्छी रखो, बुरी संगत में जाने की बजाय अपने मन की संगत करो। अपने मन को सोचो बैठकर, ये क्या चाहता है, क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है, किस बात की कमी है इसको, इसके साथ बात कर लो। दूसरों से बात क्यों करनी है, ये तुम्हारा असली मित्र तो ये अंदर बैठा है, उसके साथ बात करो, तुम्हें पता लग जाएगा और तुम्हें जवाब भी देगा अच्छा। अगर तुम सच्चे हो और अंदर से बिल्कुल सच्चे हो तो तुम्हें अंदर से जवाब भी सच्चा ही मिलेगा, क्या कहा मैंने। ठग को ठगी के ख्याल मिलते अंदर से, चोर को चोरी के ख्याल मिलते अंदर से, हेरा फेरी करने वालों को हेरा फेरी अंदर से मिलती है, और गुरु के मालिक के भक्त को भक्ति का रास्ता मिलता है, क्या कहा मैंने। आगे चलो। चंदन के ढींगे रहत सदा ही, चंदन के ढींगे रहत सदा ही, नैन बबूल पलासा। क्या है ये। चंदन के ढींगे रहत सदा ही, नीम बबूल पलासा। प्रभु ने नीम बबूल पलासा। खा जाता है शब्द। चंदन हो गया, ये तो हो गया, और कहाँ चले गए, कहाँ से पढ़ रहे हो भाई। नीचे सब ये चंदन वाला हो गया, और आखिरी नहीं है लाइन। हाँ, वो पढ़े कहाँ थे तू। हाँ पढ़े नहीं ना अभी। कहाँ कहाँ हो ये, मैं पढ़ करके फिर रहते, फिर मैं आगे बढ़ता ना। चंदन वाले ये तो है, चंदन हो गया। अच्छा ये क्या है, सहज ही। हाँ वासना त्यागी, ये तो हो गया, ये भी हो गया, अब ये है, ये है। माया मोह में राहत फसाना। हाँ रहत फलाना, मन मूर्ख अज्ञान। हाँ चलो आखिरी लाइन है। यार मेरी संगत करते कितनी देर होगी तुम। माया मोह में राहत फसाना, मन मूर्ख अज्ञान। अब कहते हैं हमने किसकी संगत की,
दाता दया, हमारे मन ने किसकी संगत की है? माया की, माया से मोह किया। अब तुम पूछोगे मोह माया के कैसे कर लिया? वो पैसे वाली माया नहीं है जिससे तुम्हारा मोह होना चाहिए, वहाँ तो होना चाहिए क्योंकि बगैर पैसे तो कुछ भी नहीं है। पैसे वाले मेले में बाहर, धक्के वाला देले वाला धक्के चार, मेले में भी पैसे वाले की कीमत है और उसकी नहीं। एक बात और याद आ गई, बाबा फकीर ने बड़ी बातें बताई हुई हैं। महाराज जी कहते मेले में जाना था तो दो पैसे मिले, अब तो 2000 रुपया चाहिए। दो पैसे मिले तो मैंने जब मेले में देखा किसी के पास 2 आने, किसी के पास 1 आना, किसी के पास 4 आने, कोई जलेबियाँ खा रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है, मैं 2 पैसे से क्या लूँ सुख भी? महाराज जी कहते मैंने कहा छोड़ो यार, ये क्या खाना, 2 पैसे की गाजरें ले ली, 2 पैसे की गाजरें ले ली, पल्ले में डाल ली, मेले तो वापस चल पड़े और गाजर खा रहे हैं, पिछले वाला हिस्सा फेंक रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, पिछले वाला हिस्सा फेंक देते हैं ना, पिछले वाला कौन खाता है? महाराज जी कहते मैं चलता गया, गाजर 5-7 में खा ली तो मैंने पीछे मुड़ के देखा एक आदमी मेरे पीछे चला हुआ है। वो क्या कर रहा है कि जो मैं गाजर खा के पिछले वाला हिस्सा फेंकता हूँ वो उठाता है, उसको झाड़ के उसको खाता है, उसको झाड़ के वो खा रहा है। कहते मैं खड़ा हो गया, ओ फकीरा, ओ तेरे जिया कौन अमीर हो सकता, ओ तेरे जिया केड़ा अमीर हो सकता, वो एदा पिछे देखता तेरी झूठ चक के खा रहा होए, ओ तू किन्ना भागशाली, किदा अपने आप नू कोसदा सी, तेनू तो पूरी गाजर मिली हो उस दिन तीन बाबे ने, ते तू कला आ देखा की है। फिर मैंने बड़ा हौसला होया, मैं घर आ गया, गाजरा खांदा बहुत खुश होया। हम पीछे को नहीं देखते, हम ऊपर को देखते हैं। ऐ इंसान कभी नीचे मत देख, अगर नीचे देखता है तो उसकी बुराई मत कर, कभी किसी की बुराई मत करो। जो तुम्हारे से नीचे हैं उनसे सबक सीखो, उनकी चुगली निंदा मत करो, कभी ना कहो ये निकम्मा है, ये है, ये वो है, ये तरक्की नहीं कर सकता, कुछ नहीं पता कब वो तरक्की कर जाए। मेरी बात समझ गए? सबको अपने से अच्छा समझो, ये संसार साला अच्छा है, उसने बनाया है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं, पहली बात। दूजी है माया, मन, मन के ख्याल में हम सारा दिन उलझे रहते हैं और ये माया ही हमें फंसाती है और ये माया ही हमें पार करती है। जब माया का रूप समझ लेंगे कि ये केवल मेरे मन की कल्पना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही आ गई है, हाँ दृढ़ निश्चय कोई हो कि मैंने ये करना है, वो पॉजिटिव माया है, वो पॉजिटिव माया है कि मैंने IAS करना है, तो IAS कर लोगे, वो माया नहीं है, वो तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, वो तुम्हारा अपना कर्म है, वो तुम्हारी अपनी हार्ड वर्क है। मैंने CA बनना है तो CA बन कर रहेगी, मेरी बात समझ गए? ऐसा ख्याल वो बुरी माया नहीं है, माया अच्छी बनाओ, बुरी माया नहीं बनानी, हमेशा अच्छा सोचो, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए भी, अपने शहर के लिए भी, हमेशा अच्छा सोचो, तुम्हारा संसार अच्छा बनता जाएगा। इसलिए दाता दयाल कहते हैं ऐसी माया से प्यार मत करो जो तुम्हें फंसा दे, बात समझ गए? अननेसेसरी थॉट, फजूल के ख्याल, हवा में ख्याल जिसका कोई मतलब नहीं है, रात को नींद नहीं आती, वही ख्याल करी जाना बार बार, वही ख्याल करी जाना, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय। परम दयाल जी महाराज एक बात सुनाया करते थे, मैं तो उनकी बात ही सुनाऊँगा। महाराज कहते हैं किसी के पाँव को चोट लग जाए तो वो पट्टी हो गई है, तो जब वो चलता है डंडे के साथ भी चलता है
उसके दिमाग में एक हमेशा ख्याल रहता है इसमें चोट ना लग जाए, वो बड़ा संभल के चलता है, लेकिन दिमाग में ख्याल रहता है कि मेरे चोट ना लग जाए, यहाँ दोबारा चोट ना लग जाए। वो दिमाग में चोट का ख्याल रहता है तो उसके चोट दोबारा ज़रूर लगती है, ये कहा करते थे मेरे दादाजी हमें समझाने के लिए। क्या कहा मैंने? इसलिए इस बात को समझो कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हाय ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल नहीं सोचना, ये ऐसे ही होगा मैंने जैसे सोचा है और जैसा मुझे गुरु का आदेश है मैं इस पर चलूँगा और कामयाबी प्राप्त करूँगा, तुम कामयाब हो जाओगे। आगे राधा स्वामी चरण शरण जब धाया, राधा स्वामी चरण शरण जब धाया, हो गया चतुर सुजाना। कहते हैं अब किसकी संगत में आ गए? सतगुरु की संगत में आ गए, राधा स्वामी की संगत में आ गए। और राधा स्वामी रहता कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में रहता है, यहाँ रहता है। तो कहते फिर मैं क्या हो गया? चतुर सुजान हो गया, समझ आ गई, ज्ञान आ गया, रहने का रास्ता मिल गया कि इस रास्ते से नहीं चलना, इस रास्ते चलना, ये नहीं खाना तो ये खाना, ये नहीं पीना ये नहीं पीना। क्या कहा मैंने? हमारे लिए कुदरत ने जो पैदा किया है वो ज़मीन में मिला है, जो ज़मीन में चीज़ पैदा हुई है वो जितनी मर्जी खाओ तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। जिसको हमने बना दिया, बिगाड़ दिया, शक्लें बिगाड़ दी उसकी, आलूओं की शक्ल बिगाड़ दी, बना दिया टिक्कियाँ, वो ख़राब है, उसके बना दिए गोलगप्पे वो भी ख़राब है, मैदे की क्या क्या बना दिया वो भी ख़राब है। तो वो जो हमने बना दिया वो तो गया, जो दलिया है वो कभी नुकसान नहीं करेगा, वो गेहूँ है, फुल्का कभी नुकसान नहीं करेगा, बाजार से जा निकाली हुई सब्जी कभी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जो बनाई गई चीज़ है वो हमेशा नुकसान करेगी करेगी करेगी। इसलिए दाता दयाल कहते हैं कि जब तुम सत्यनारायण स्वामी की संगत में आए तो तुम सियाने बनो, सुजान बनो, समझदार बनो, ज्ञानी बनो। आप समझ गए ना? ज्ञानी मीन जीने का राज, जिसको पता लग गया कि मैं हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, और टीचर रखो कि मैंने ये करना है, ये बनना है, तुम बन जाओगे। अभी ना तसली करके बैठ जाओ कि बस नहीं है ना, आगे चलो जितना चल सकते हो, जब तक हिम्मत है और उम्र है मेहनत करो। बात समझ गए? मेहनत करो। मैंने देखो 1984 में मैंने एमफिल पास किया, प्री पीएचडी किया 84 में, एमए मैंने 62 में किया था, और फिर कितने साल बाद मैंने 22 साल बाद जाकर कहीं मैंने पीएचडी की, नहीं हटा। बात समझिए, कर लिया, करने में क्या है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। तो मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, साध की संगत के बारे में बता दिया, बुरी संगत का असर भी बता दिया और संतों की संगत का असर भी बता दिया। अब चलना ना चलना तुम्हारे अपना काम है, मेरी तो शुभकामना है आपको, और सबसे बड़ी कामना यह है कि मालिक शरीर की तंदुरुस्ती दे, ये बहुत ज़रूरी है, शरीर की तंदुरुस्ती, मन को शांति, घर में प्रेम, और रहने को अच्छा मकान, खाने को अच्छी रोटी मिल जाए, और क्या चाहिए। फिर सुबह शाम राम नाम, दिन को काम, रात को आराम, सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।